जुमे की नमाज़ के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कारकुनों को कह रहा हूँ बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरन तरीके से बताना है एहताज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया कुरान शरीफ को और आज़ादी राय के नाम पर और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना था हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए और मैं फिर से कहता हूं पुरमन कोई तोड़ फोड़ नहीं हमारा मुल्क है हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना हमने सिर्फ एक पैगाम देना है गिलगत मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर मैंने एक इस तरह का आदमी अहलियत भी रखने वाला ईमानदार आज कल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना नज़रियाती आदमी जिसको जो एक नजरिया पाकिस्तान जो कि हम एक आजाद मुल्क चाहते थे हकीकी आज़ादी नजरियाती आदमी उसके उसको गिरा दिया गया और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई लोगों ने फिर आ, उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट कराई लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया हम फिर वापस आ गए फिर कोशिश की गिराने की जबकि हम हमने एक वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखे जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आप को आज़ाद किया था वो मेरे ख्याल में अट्ठावन लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डेक्लेशन साइन किया था उनकी जिंदगियाँ देखें एक एक ने कैसी क्या आज़ादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया उनमें से कितनों को कत्ल किया गया तशद किया गया एक एक का देखें उनके कारोबार तबाह हो गए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आजादी के लिए और वो ही अमेरिका फिर दुनिया की सुपर पावर बना क्योंकि आजाद था गुलामों की कोई कोई मुस्तकबल नहीं होता तो मेरी कॉम मेरी गौर से बात सुन ल जो ये कर रहे हैं इस वक्त जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है सबसे बड़ी बात यह कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का ही नहीं पता जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता क्योंकि जो जुल्म है हमारे हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ हमें आजाद करने के लिए ला लाए ला, ला आया था नहीं है कोई खुदास अल्लाह के हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था और जहां बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है कोई कानून नहीं है डंडे मार रहे हैं जेलों में भरा हुआ है तशद कर रहे हैं घर तोड़ रहे हैं लोगों के घरों के अंदर घुसते हैं औरतों की परवाह करते हैं बच्चे उठा के ले जाते हैं आमिर मोल के पांच बच्चे चार छोटे बच्चे उठा के ले गए एक हमारा कारकुन था वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए किसी की बहनें उठा के ले गए बहन हमारा एक कार का बहन और उसके भाई उठा के ले गए क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था घर पे घर तोड़ देते हैं घर लूटते हैं पुलिस घर लूट रही है और तो लोगों को छोड़ो एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहाँ चालीस लोगों ने दरवाजा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीज़ें मिली लूटी और लोगों को मारा पकड़ के ले गए वो बेचारे खनसामे को ले गए वो मुला वो जो माली था उसको उठा के ले गए उनको किस जिस तरह जेल में रखा मेरी बहन के मैं बताया हुआ कि घंसामे को उठा के ले गए वो कहता जी आधा वक्त हम आधे हम खड़े होते थे क्योंकि सारे एक वक्त पर लेट नहीं सकते थे वो ऐसे ऊपर से गर्मी लेता उसको बीमारी होगी वहां उसकी पहले तो रेजिस्टेंस खत्म होगी खाना भी ना दें तरह वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है एक गरीब आदमी अपनी जिसके अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है औरतों को पकड़ा हुआ है जो औरतों से कर रहे हैं डॉक्टर यासमीन देखें उनकी उम्र देखें कोई नहीं देख रहे ना उम्र देख लेना कुछ देख रहे और उनका जुर्म क्या है सिर्फ जुर्म एक है कि इमरान खान को ख़त्म करना है अप्रूवर बनाए जी कोई इमरान खान के खिलाफ दे जिसको पकड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें शहबाज गिल को जब पकड़ा कोई इमरान खान नेतवार से स्टेटमेंट दिलवाई है ये जो अभी मेरा कल नैम में मैं गया वो जो तोशा खाना केस की वो जी वो फलाने आदमी ने वहाँ दुबई में जाके आ क्या कि जी मुझे घड़ी बेची है वो फ्रॉड आदमी उसके ऊपर केस किया हुआ है मैंने वो जियो के ऊपर केस किया हुआ जिन्होंने किया है मैं इन वो केस अदालत के अंदर जीतूंगा वो एक भागा हुआ नॉर्वे से उससे उन्होंने बयान दिलवा लिया थी इमरान खान ने मुझे घड़ी बेची है किसी को मैं क्यों खड़ा हूँ अकेला आदमी जिस आप कौम के सामने रख रह रहा हूँ मैं क्यों खड़ा हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह पैमान है मैं मैं समझता हूँ कि अल्लाह के इस कोई खुदा नहीं है मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता मेरे माल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से ना ही मुझे कोई तो इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊँ या आराम से करवाऊँ पर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है किस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन तीस इलेक्शन जीत गए सैंतीस में से के सारी पुलिस भी है गवर्नमेंट भी है इलेक्शन कमीशन भी है एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है उसके बावजूद जीत रहे हैं तब मारने की कोशिश की ये नामालूम अफराद किस ट्रक से उतर के और किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं ये सिविल कपड़ों में आर्मी उतर आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में ये देखें ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे ये देखें ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं इसके अंदर ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो नौ मे को हुआ है ये नौ मे को इन्होंने तब करना था नौ मे को क्या कि वो प्लान किया हुआ था अंदर लोग उसाये हुए थे जो तरीके इंसाफ के बनाए हुए थे मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में मान मजबूत करें देखें ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है सिर्फ आजाद कौमों का मुस्तकबिल होता है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं हम इनके खिलाफ केस करें आई के खिलाफ केस करें जो जो उस उ, उस इलाके का जो जो भी डीएसपी जो थानेदार हो उसके खिलाफ केस करें कोई केस कर दें अगर ये एफ़आईआर आई रजिस्टर करते बाईस के अंदर केस कर दें वक्त आएगा ये मेरा ईमान है कि ये जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता हमें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाए अपना इकबाल का एक शेर है कि है जुर्मे जईफी की सजा मर मफ़ाज़ात बुजदली की सजा ही मौत है और फिर ला ए ला ला का एक और एक एक शेर है बुतों से तुझे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीद ही मुझे यह बता तो सही और काफरी क्या है और कुफर क्या है शेर क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें यहीं रहेंगे यहां लड़ें खड़े होंगे पुरमन तरीके से मुल्क पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे लेकिन हम यह वाजे कर देंगे कि हम हमारे मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं अल्लाह जब किसी को मान देता है उनके खौफ दूर कर देता है हम खौफ की जंजीर तोड़ बैठे हैं और हम यह जुल्म किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद